Hello everyone, this is Shwebstream and you're watching Computer Learning Corner. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाई अबाउट माय लेटेस्ट अपडेट्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडे लेक्चर व्हिच इज ऑन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट वन. दिस इज आवर टुडेज लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एजेंडा. आज का हमारा एजेंडा ये है कि इस लेक्चर को वाइंड अप करने तक आप ये जान सकेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कंप्यूटर के कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसके अलावा कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर सिस्टम की. कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जहन में आती है कि सबसे पहले आपको को ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास कंप्यूटर का वर्ड है क्या ये अपने अंदर एक फुल फॉर्म या कोई और सेंटेंस रखता है या नहीं रखता, कंप्यूटर का मीनिंग क्या है. तो आपके पास जो जो कंप्यूटर के स्पेलिंग होते हैं COMPUTER, ये अपने अंदर एक फुल फॉर्म रखते हैं, कंप्लीट सेंटेंस रखते हैं जिससे कंप्यूटर की कंप्लीट डेफिनेशन भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती है. सी स्टैंड फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेडिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. ये आपके पास कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म आ जाता है जो आपके पास है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेडिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. यानी कंप्यूटर आज के टाइम में जो यूज़ हो रहा है और जो कंप्यूटर जब से बना है तो तब से ही उसका नाम कंप्यूटर ही कॉल किया जाता है. और आज के टाइम में जब आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग में कंप्यूटर जिस जगह पे भी यूज़ हो रहा है तो वो इन वर्ड्स से हटके किसी और जगह पे यूज़ नहीं हो रहा, या तो वो जेनेरिक पर्पज़ के सेंटेंस के फर्स्ट थ्री लेटर्स का कम्बिनेशन होगा. अगर वो किसी एक स्पेशल पर्पज़ की जगह पे यूज़ हो रहा है तो वो आपके लिए होगा ट्रेडिंग में होगा, या एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर रिसर्च टास्क के लिए उसको यूटिलाइज किया जा रहा है. वट इज़ कंप्यूटर? द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर ड्राइव्ड फ्रॉम कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने वाली मशीन, परफॉर्म करने वाली कोई मशीन. इन द पास्ट कंप्यूटर वॉज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी ए कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन. अरिथमेटिक ऑपरेशन आप लोग के पास होते हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन आप लोगों के पास होते हैं अरिथमेटिक. तो कंप्यूटर को जो बनाया गया था उसका बनाने का मकसद यही था कि वो बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व कर सके. लेकिन आज का कंप्यूटर सिर्फ अरिथ को परफॉर्म नहीं करता बल्कि ज़रूरत ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है. डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की एक बेसिक एंड जेनेरिक डेफिनेशन है, विच इज़ ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. क्योंकि ये बिजली से चलती है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दैट इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल की जाती है टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन टू इट. इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है बजाते खुद नहीं, जब तक उसे कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती. कंप्यूटर इन फॉलोइंग वर्ड से भी आप एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो आपके पास है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी बिजली से चलने वाली डिवाइस, दूसरा है टेक इनपुट यानी इनपुट लेना, परफॉर्म प्रोसेसिंग उसी इनपुट के ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना, और उस कैलकुलेशन के नतीजे में आपके पास कोई रिजल्ट जनरेट होना जिसे हम कहते हैं आउट. तो इन चार वर्ड से आपकी एक डेफिनेशन कंप्यूटर की कंस्ट्रक्ट होती है, जो है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस दैट इनपुट एंड गिव अस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन. ये आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें आपके पास मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है और सिस्टम यूनिट है. इसे हम सीपीयू नहीं कॉल करते, इसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम यूनिट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स.
सीपीयू होता है, इसमें मेमोरी होती है, डिस्क ड्राइव होती है, पावर सप्लाई और बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। आपको इसकी गूगल से भी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप गूगल के ऊपर जाए और वहाँ पर जस्ट आप ये चीज़ लिखें कि सी 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 पी यू, तो ये आपके पास उसके कुछ रिजल्ट यहाँ पे शो ऑफ हो जाएंगे, जिसमें सीपीयू कहीं पे भी उसने वो टॉवर सिस्टम, वो सिस्टम यूनिट की तस्वीर नहीं दी आपको। यहाँ पर एक छोटी सी चिप आपको सीपीयू के नाम से उसने यहाँ पे शो करा दी है, जो आपके ग्रीन कलर का बोर्ड जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, इस सिस्टम यूनिट के अंदर आपका जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है उसके ऊपर आपका सीपीयू एक चिप के तौर पे लगा होता है। डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? डाटा यानी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड मटेरियल इज योर डाटा, एंड इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज योर इंफॉर्मेशन। यानी डाटा पहले आएगा, इसको हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि डाटा इज द कम्बिनेशन ऑफ यूजफुल एंड यूजलेस मटेरियल फॉर यू, एंड इंफॉर्मेशन इज योर जस्ट यूजफुल मटेरियल फॉर यू। ये इसका कुछ एक ब्लॉक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि डाटा से इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हुए हमें क्या सफ़र, क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। यानी डाटा से हम जाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ, तो कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे और उस प्रोसेसिंग के नतीजे में जो हमारा रिजल्ट आएगा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसे कहेंगे हम। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है कि डाटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है? तो ए प्रोसेस दैट इज टू कन्वर्ट योर डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं प्रोसेसिंग के ऊपर। कुछ हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि हम पहले स्टडी करके आए हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं। डाटा सॉर्टिंग होती है एंड डाटा फॉर्मेटिंग भी होती है। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड मैनुअली और बाई यूजिंग ए कंप्यूटर। हम मैनुअली भी उसको प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और उसमें एरर आने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से हमारा टाइम भी कम लगेगा और एरर आने के चांसेस भी कम होते हैं। टुडे डाटा इज प्रोसेस्ड यूजिंग ए कंप्यूटर, क्योंकि हम अपने डाटा को एरर फ्री बनाना चाहते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू योर कंप्यूटर, इट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट्स इन टू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या रिजल्ट। यानी डाटा हमने कंप्यूटर को देना है, एक बेसिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन देते हैं हम 2 + 2 का, तो उसने इसको इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट, जो इंस्ट्रक्शन हमने प्लस की दी है कि इन 2 + 2 को ऐड करना है, तो उन्हें ऐड करके हमें इंफॉर्मेशन में 4 रिजल्ट देगा और वो 4 हमारे लिए इंफॉर्मेशन होगी। ये उसकी एक ब्लॉक डायग्राम है कि डाटा से इंफॉर्मेशन तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी फिर इंफॉर्मेशन तक जाएंगे। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर कौन से होते हैं? यही बेसिक फंक्शंस होते हैं कि आपका कंप्यूटर आपकी डाटा को एज ए इनपुट लेगा, एक्सेप्ट करेगा इंस्ट्रक्शन को, तो उसे हम कहेंगे इनपुट, और उसी इनपुट को वो स्टोर भी कर सकता है अपनी मेमोरी में। और वो मेमोरी में क्यों स्टोर करता है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्रोसेस आर मैनिपुलेट डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसे उसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो वो वही ऑपरेशन अपने डाटा पे परफॉर्म करेगा, और जो डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसके नतीजे में जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम कंप्यूटर सिस्टम में कहते हैं आउटपुट। आउटपुट देने के बाद वो जो डाटा होता है उसको उसने रिजल्ट में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं परमानेंट तौर पे स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे? फॉर द यूज़ ऑफ लेटर, यानी हम लेटर पर्पस के लिए यूज़ करेंगे कि हम उसको नेक्स्ट भी कभी यूज़ कर सकें। रिट्रीव्स यानी हम उसको रिव्यू भी कर सकें, जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव होती है तो हम बाद में कल परसों या किसी और दिन उसको फिर से ओपन करके व्यू करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिट्रीव करना।
रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेज, आपकी हार्ड डिस्क से हम फिर से ओपन करके देखते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर सिस्टम की, वो है हमारे पास स्पीड, ये एक बेसिक और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर सिस्टम की। सेकंड वन इज़ योर एक्यूरेसी, थर्ड वन इज़ डाटा प्रोसेसिंग, नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी, स्टोरेज, ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन एंड नो फीलिंग्स। दीज आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जेनेरिक कंप्यूटर सिस्टम। हम इसकी डिटेल अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो नाउ कंप्यूटर इज योर कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स। अब उन कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं हार्डवेयर का, और हार्डवेयर होता है जिसे हम फिजिकली टच कर सकें। कंप्यूटर का हर वो कंपोनेंट जिसे हम फिजिकली टच कर सकें, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, तो उसे हम कहेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट। सो ए कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी टोटल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर होगा कि इंस्ट्रक्शन जो दी जाएगी कंप्यूटर वैसा ही परफॉर्म करेगा। दीज इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म एंड सम इंस्ट्रक्शंस आल्सो कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हाँ जी, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं कोई भी एक जेनेरिक टास्क परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उन इंस्ट्रक्शंस को, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम नाम देते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम का। ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, जब तक हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर हमारा किसी काम का नहीं। जब तक हम उस पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते, जब तक हम उस पर विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर कोई और मीडिया प्लेयर, कोई वीडियो प्ले करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो हमारा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम इन दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से ही बनता है। अगर हम इसमें से सॉफ्टवेयर को हटा दें तो सिर्फ हार्डवेयर को हम कंप्यूटर सिस्टम नहीं कह सकते, और अगर हम हार्डवेयर को हटा दें तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर सिस्टम नहीं कह सकते, यानी इन दोनों का होना लाजमी है। सो इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। स्मॉल कंप्यूटर्स आर आल्सो फिटेड इनटू मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। छोटे छोटे कंप्यूटर आजकल के टाइम पे इस टेक्नोलॉजी एरा में हर जगह पे आपको मिलते हैं, और वो कहाँ पे मिलते हैं, वो हैं आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनमें भी कंप्यूटर सिस्टम होता है। छोटे छोटे टॉयज़ आ गए हैं, उनमें भी कंप्यूटर सिस्टम होता है। माइक्रोवेव ओवन्स है, इसके अलावा व्हीकल्स हैं जो आपके पास व्हीकल्स यूज़ होती हैं, ऑटो ड्राइवर वाली दूसरी व्हीकल्स, उनमें भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। जैसे एंड्रॉयड कंप्यूटर सिस्टम होता है, जैसे व्हीकल्स के अंदर आपको लोकेशंस प्रोवाइड की जाती है एंड MP3 प्लेयर्स आल्सो। सो आप इस लेक्चर को कवर अप करने के लिए, ये आपके पास PM सीरीज़ की बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसको भी कंसर्न कर सकते हैं फॉर द बेटर प्रिपरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।